focus, South Asian Media Group, Y Media. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का ये पहला दौरा, जो रशिया यूक्रेन के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के एक क्रिटिकल समय पर हो रहा है, भारत के शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कईव में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान मोदी ने शांति और डायलॉग पर जोर दिया और भारत के तैयार होने की बात कही, जो किसी भी शांति प्रयासों में योगदान दे सकता है। इस दौरे के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच चार महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स साइन किए गए, जो एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। मोदी ने इस बात को भी क्लियर किया कि भारत अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ अपने संबंधों के बावजूद यूक्रेन के साथ एक बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रख रहा है। मोदी ने मार्टरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन का भी दौरा किया, जो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के शांति संदेश को भी याद किया, जो आज के ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी का ये दौरा भारत के ग्लोबल पीस एफर्ट्स में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बिगेस्ट साउथ एशियन मीडिया ग्रुप, वाई मीडिया।